और एक मेरे हिसाब से, मैं जब देखता हूँ, मैं कोई भी फिल्म जब करता हूँ तो डबिंग में ही मुझे लग जाता है कि फ़िल्म क्या होने वाला है, कैसी लगने वाली है। तो इस फिल्म की डबिंग करते हुए मैं हर सीन में हंसा हूँ, हर सीन को एंजॉय किया हूँ और फिल्म को देखते देखते मैं खुद ही रो पड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है और कल से ये थिएटर में लग रही है, मेरे दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है। फिर किरदार इसमें एक गांव का लड़का है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, पांचवी फेल है, फिर भी सपने देखता है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं इसके। और उस सपने को साकार करने के लिए वो शहर आता है। सपना तो साकार होता है, करोड़पति बनता है, बड़ा आदमी बनता है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी समस्याओं में उलझ जाता है कि जिससे निकलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर उन समस्याओं से कैसे निकल पाता है, कैसे वो उससे बाहर आता है, ये पूरी कहानी है और बड़े मनोरंजक तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये है पूरी राजा बाबू की जो कहानी है। सर, फिल्म का टाइटल है राजा बाबू जी। राजा बाबू हिंदी में भी आ चुका है और आपका कॉस्ट्यूम में गोविंदा जी की तरह मिल रहा है, तो क्या पिक्चर की कहानी जो है हिंदी की तरह? हाँ, बिल्कुल नहीं। राजा बाबू जो गोविंदा जी की थी वो बिल्कुल अलग कहानी थी और ये बिल्कुल अलग है। और जो इसमें गेटअप है, किरदार है जो मेरा, वो गांव के लड़के का है, गांव का एक सीधा साधा लड़का है। तो वो किरदार और गेटअप भले मैच करता है राजा बाबू के गोविंदा जी से, पर इसकी कहानी और इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है, नया है और एक नई फिल्म और एक अच्छी फिल्म लोगों को मिलने वाली है। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट होंगे जो बनाना चाहेंगे अपने फैंस को? जी, हाँ बिल्कुल। राजा बाबू के बाद जो है वो गुलामी आ रही है, गुलामी बन के तैयार है टीनू वर्मा जी की। उसके बाद आशिक अवारा हमारे सतीश जैन जी बना रहे हैं। आशिक अवारा के बाद आरक्षण, सॉरी, चंपारण फिल्म आएगी जो अभय सिन्हा जी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा होम प्रोडक्शन आएगा निरोवा एंटरटेनमेंट का। तो ये सारी फिल्में आने वाली जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर, 15 अगस्त आपके लिए आज़ादी कितना मायने रखता है, उसके लिए कुछ विशेष अपने? बहुत मायने रखता है आज़ादी। तो इंसान क्या, पशु पक्षी को भी आज़ादी पसंद होती है, हर किसी को आज़ादी चाहिए। और हमारे लिए जो आज़ादी है बड़े कठिनाइयों से, बड़े परिश्रम से मिली है। हमारे जो शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी उनके वजह से हमें ये आज़ादी मिली है। तो ये आज़ादी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज़ादी ऐसे ही बनी रहे, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे और चाहेंगे कि ये स्वतंत्रता हमारी हमेशा कायम रहे और कभी भी देश के ऊपर ऐसी इमरजेंसी आए, ऐसी आवश्यकता पड़े कि हमें भी अगर एक सिपाही बन के अपने देश के लिए खड़ा होना पड़े तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू। सिंपल गांव की औरत का कैरेक्टर है और सिंपलिसिटी इतना अच्छे से पर्सोनिफाई किया, इतना अच्छे से दिखाया गया है कि उसके सिंपलिसिटी से ही प्यार हो जाएगा।
हर तरह की मूवीज़ करना पसंद करती हूँ, मैं बस काम करना पसंद करती हूँ। मुझे जैसा रोल जब ऑफर हो मेरे लिए हमेशा वेलकम है, बस अगर उसमें करने के लिए कुछ हो तो मैं करूँगी। शूटिंग के दौरान कुछ खास नहीं रहता, हम पूरे दिन काम ही करते रह जाते हैं। सुबह उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, फिर पैकअप होता है, इतना थके रहते सो जाते हैं। शूटिंग के दौरान कुछ नहीं होता, बस हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं हर किसी से, सारे को एक्टर्स से, दिनेश जी से डाउन टू अर्थ रहना सीखते हैं कि कैसे सेट पे सबके साथ चिल रहो, अच्छे से रहो। सेम चीज़ हम अपने प्रोड्यूसर से भी सीखते हैं, कैसे चिल रहो, कुछ भी सिचुएशन आए, अर्थक्वेक भी आ जाए, आराम से सब हो जाएगा। तो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हर किसी से सीखते हैं, अपने डायरेक्टर से सीखते हैं कि सारा काम एक समय पे अच्छे से कैसे ख़त्म करना है। तो बस सीखते सीखते हो जाता है। आने वाली फिल्में अभी हम शूट करने जा रहे हैं आशिक आवारा, उसके बाद एक और फिल्म करने जा रहे हैं हम, आई थिंक हैदराबाद में, मुझे याद भी नहीं है सही से। बहुत सारी फिल्में लाइंड अप है, हर किसी में आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखेंगे, डिफरेंट स्टोरी दिखेगी। इस फिल्म की कास्टिंग हमने डायरेक्टर से बात करके और कास्टिंग डायरेक्टर से बात करके की थी, और इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ही सही है, परफेक्ट है। सब किरदार जो भी हैं वो सब अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। स्टोरी की लाइनअप बहुत ही सिंपल है और गाने भी बहुत सिंपल हैं और बहुत ही पारिवारिक मूवी है। बस स्टोरी यही है कि एक साधारण सा व्यक्ति जो बाहर जाता है, मुंबई जाता है, और कैसे वो वहाँ के वातावरण में उलझ जाता है और फिर जो है अपने गांव पे आता है, और फिर क्या क्या होता है, इसी की पूरी कहानी है। राजा बाबू टाइटल चूँकि हमारे इस मूवी में वो बहुत बिंदास टाइप का है, नहीं, और परवाह नहीं करता है, तो इसलिए उसको राजा मुख्य अभिनय जो किया है दिनेश लाल यादव जी ने, उनका नाम ही राजकुमार उर्फ राजा बाबू है, इसलिए इस फिल्म का टाइटल राजा बाबू रखा गया है। ये पूरे बिहार और झारखंड में और यूपी में और नेपाल में रिलीज़ हो रही है, बाकी मुंबई और गुजरात और वेस्ट बंगाल ये सब 28 अगस्त को रिलीज़ होगी।